उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट का विस्तार जोर पकड़ चुका है। जी हां, बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। किसी भी समय और किसी भी दिन आपको ये बड़ी खबर दिखने को मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज, आप देख रहे हैं K24 न्यूज। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कौन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट में इन होगा और कौन बाहर होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। धामी कैबिनेट के विस्तार में कुमाऊं से दो मंत्री शामिल होने की बात कही जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है डीडीहाट विधानसभा से बिशन सिंह चुफाल का। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। धामी 2.0 की बात करें तो इस कार्यकाल में 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था, जिनमें से 5 गढ़वाल से थे, 3 कुमाऊं से। कुमाऊं से चंद्र रामदास के निधन के बाद अब कुमाऊं में सिर्फ 2 मंत्री रह गए हैं, एक नाम रेखा आर्या, दूसरा सौरभ भवगुणा। वहीं बात करें गढ़वाल से तो गढ़वाल से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब शपथ लिया था तो उस समय भी करीब 3 मंत्री की कमी रही थी और चंद्र रामदास के निधन के बाद अभी कम से कम 4 पद रिक्त हैं जिनको कभी भी भरा जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी के मौजूदा कैबिनेट में 5 गढ़वाल से और इस वक्त 2 कुमाऊं से हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट जब रिशफल होगा तो इसमें कम से कम 4 लोगों की और एंट्री होगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्री कुमाऊं से होंगे। कुमाऊं से वो 2 कौन नाम हो सकते हैं, इस पर हम संभावित नामों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिशफलिंग वाले कैबिनेट में बिशन सिंह चुफाल का नाम सबसे पहला आ रहा है। बिशन सिंह चुफाल भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। लगातार 7 बार से एक ही विधानसभा से जीतने वाले बिशन सिंह चुफाल 7वीं बार विधानसभा से विधायक चुने गए हैं और बिशन सिंह चुफाल कई पदों में भी काबिज रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी बिशन सिंह चुफाल संभाल चुके हैं। हालांकि इस बार पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में चुफाल की जगह नहीं बनी। अब कहा यह जा रहा है कि जल्द ही जब भी पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट रिशफल होगी उसमें चुफाल का नाम सबसे पहले माना जा रहा है। हालांकि जब से पुष्कर सिंह धामी सरकार की रिशफलिंग की बात कही जा रही थी तो कहीं ना कहीं गाये बजाए बिशन सिंह चुफाल का नाम आगे आ रहा था। इस बात को बल तब ज़्यादा मिल गया था कि जब महेंद्र भट्ट ने ये बात कही थी कि लोकसभा चुनाव के निपटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट का विस्तार होगा। जब से धामी कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है तो बिशन सिंह चुफाल जी का नाम लगातार सबसे आगे चलता नजर आ रहा है। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चुफाल की मुलाकात का मायना ये निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चुफाल इसी सिलसिले में तो मिलने नहीं गए हैं। हालांकि चुफाल ने अपने फेसबुक पेज में ये भी डाला था कि कई समस्याओं को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। आपको आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट से कुछ नेताओं की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। अगर जाति समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट में किसी और नाम ऐड करना चाहेंगे कुमाऊं से तो वो फकीरराम टमटा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ चंदन राम दास को जैसे उन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया था, चंद्र रामदास के निधन के बाद जो सीट खाली होती है, तो ऐसे में जातीय समीकरण को लेकर पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट में मंत्री लाना चाहते हैं तो वो नाम फकीर राम टमटा हो सकता है या फिर सरिता आर्या, इनमें से एक नाम हो सकता है। संभावनाएं भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा का भी कहा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि कुछ दिनों पहले जो सुर्खियों में नाम था वो रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम भी सुर्खियों में था। प्रमोद नैनवाल एक ऑडियो क्लिप में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि उनको मंत्री बनाने के लिए रिश्वत की बात भी यहां कही जा रही थी। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिशन सिंह चुफाल या फिर राम सिंह केड़ा, इन दोनों नाम को प्रमुखता से देखा जा रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसमें हम आसानी से ये बात कह सकते हैं
जिनको डर है कुर्सी बचाने का वो दिल्ली दरबार की तरफ रुख कर रहे हैं और जिनकी एंट्री होनी है वो देहरादून की तरफ रुख कर रहे हैं। अब ये दिल्ली दरबार में जो जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जा रहे हैं या फिर उनको दिल्ली से बुलावा आ रहा है। पिछले कुछ दिनों आपने काफ़ी तस्वीरें देखी होंगी जिनमें धन सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते नजर आए, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से गणेश जोशी की मुलाकात भी सुर्खियां बटोर रही है। कुछ समय पहले ये भी सुर्खियां थी कि अगर पुष्कर सिंह धामी का कैबिनेट रिशफल होगा तो इसमें प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी हो सकती है क्योंकि विधानसभा बैकडोर घोटाले का आरोप उन पर सीधा लगा हुआ था। वहीं बात करें तो धन सिंह रावत भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और धन सिंह रावत के कार्यकाल को भी पारदर्शिता कार्यकाल नहीं कहा जा सकता। वहीं बात करें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, तो गणेश जोशी इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। गणेश जोशी का उद्यान विभाग इन दिनों CBI के घेरे के अंदर है। CBI लगातार उद्यान विभाग की जांच कर रही है। इसमें करीब अब तक 18 लोग नामजद हो चुके हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है या फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली गए हैं। दूसरी तरफ बुधवार को कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात को आप किस रूप से देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी इन दिनों जो मुलाकात कर रहे हैं विधायकों से, तो क्या इसका हम कैबिनेट में शामिल होना माने या फिर शिष्टाचार मुलाकात इसे माने? धामी कैबिनेट के मंत्रियों की छुट्टी तो कयास है लेकिन कुछ विधायकों के मंत्री बनना लगभग तय है। अब इनमें से किसका नाम हो सकता है? हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि BJP की जो नीति है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या इस बार BJP में जिनकी होने की बात कही जा रही है और जिनकी जाने की बात कही जा रही है क्या ऐसा होता हुआ आपको नजर आता है? कमेंट करके ज़रूर भेजें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।